नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी और आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट बाय लैरी एंड डोमिनिक। एंड इस बुक के अंदर मैं एक चैप्टर पे पहुंची हूँ जो चैप्टर इज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। नाउ महात्मा गांधी द फादर ऑफ आर नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी नोआखली जब गए, बिकॉज नोआखली के अंदर नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, एंड दिस वॉज डन बाय द मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया एट दैट टाइम, बिकॉज उनको एक अलग देश चाहिए था। तो नोआखली जाते समय महात्मा गांधी को अकंपनी किया था उनकी नीस मन्नू ने। एंड ये सेम जो दिल्ली रायट्स हम देख रहे हैं आज के दिन, वो सेम रेपिटेशन हुई थी पार्टीशन के पहले इन नोआखली, जहाँ पे मुसलमानों ने हिंदुओं को अटैक किया था और किल किया था बिकॉज उनको एक अलग देश चाहिए था। अब मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, व्हाट हैपेंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड मन्नू, कीपिंग असाइड द किलिंग्स ऑफ हिंदूज दैट हैपेंड इन नोआखली। अब जब मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, तो हमको पता है कि महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस की शपथ ली है, मगर उनकी नॉन वायलेंस की शपथ यानी वो ऑफ नॉन वायलेंस वाज सो स्ट्रॉन्ग कि जब वो और उनकी बीवी कस्तूरबा को जेल में डाला गया बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट, तब जेल के अंदर उनकी बीवी हु वॉज अ पेशेंट ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस, शी had to be given penicillin ki injection to as a medicine for her acute bronchitis, magar us samay महात्मा गांधी जी ने उनको वो इंजेक्शन देने से मना करवा दिया टू द डॉक्टर्स, बिकॉज वो इंजेक्शन इंट्रावेनसली देनी थी एंड ही थॉट दैट इंट्रावेनस इंजेक्शन बीइंग गिवन टू हिज वाइफ इज अगेंस्ट द वो ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये सोच को मैं रिग्रेसिव कहती हूँ, मगर दूसरी ओर उन्होंने वो ऑफ चैस्टिटी भी लिया था, मगर ये वो ऑफ चैस्टिटी मुझे अभी समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब मैं पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि मन्नू ने, जो उनकी नीस थी, भतीजी थी, उन्होंने गांधी जी को कहा था कि शी ऑल्सो फील्स द वे ही फील्स टूवर्ड्स यू नो सेक्शुअल अराउजल्स, शी डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल अराउजल्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो गांधी जी ने सजेस्ट किया बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज लाइक अ मदर टू हर टू एंड कस्तूरबा वॉज नो मोर, दैट दे शुड शेयर अ सेम चटाई टू स्लीप एंड दैट विल बी अ रियल टेस्ट टू अंडरस्टैंड इफ शी हैड एक्चुअली ओवर पावर्ड हर सेक्शुअल डिजायर्स। तो महात्मा गांधी जी वुड शेयर ईच नाइट द क्रूड स्ट्रॉ पैलेट विच पास्ड फॉर हिज बेड, ही रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ मदर एंड शी सेड, दैट इज मन्नू हैड सेड, शी फाउंड नथिंग बट मदर्स लव इन हिम। बट आई टुडे एज एन इंडियन सिटीजन फाइंड कि ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात घटना थी या इंसिडेंट था, जहाँ पे गांधी जी वॉज शेयरिंग अ स्ट्रॉ चटाई विथ हिज भतीजी टू चेक हर वो ऑफ चैस्टिटी। ये मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगता है और आज के ज़माने में ये सुनकर बहुत ज़्यादा मुझे गलत लगा, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मन्नू हैड एक्सेप्टेड द एंड हर लिटिल फिगर हैड फॉलोड गांधी जीज ट्रेसेस अक्रॉस द स्वॉम्प लैंड्स ऑफ नोआखली। जी हाँ, गांधी जी नोआखली गए, क्यों? क्योंकि उनको मुसलमानों को समझाना था कि ये ब्लड बात बंद करें जो वो हिंदुओं की तरफ कर रहे थे अपनी ये पार्टीशन की मांग पूरी करवाने के लिए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1906 में अपनी डिसीजन अनाउंस करी थी ऑफ ब्रह्मचार्य टू हिज वाइफ। ये उनकी जो डिसीजन थी वो ऑब्वियसली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ये डिसीजन के बाद जब उन्होंने 67 या 60s की एज में ये जो डिसीजन ली टू टेस्ट द चैस्टिटी ऑफ हिज भतीजी बाय आस्किंग हर टू स्लीप नेक्स्ट टू हिम ऑन अ चटाई वॉज वेरी वेरी फनी एंड इमोरल टू मी। उनके हिसाब से ये भी थॉट प्रोसेस था कि अ ब्रह्मचारी डज नॉट फ्ली द कंपनी ऑफ वुमेन बिकॉज फॉर हिम द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन ऑलमोस्ट डिसअपियर्स। तो शायद ये उनकी सोच थी फॉर मेकिंग हिज भतीजी सिट स्लीप नेक्स्ट टू हिम ऑन अ चटाई एवरी नाइट। अ रियल ब्रह्मचारी सेक्स ऑर्गन्स विल बिगिन टू लुक डिफरेंट, गांधी जी डिक्लेयर्ड, दे रिमेन एज मियर सिंबल्स ऑफ हिज सेक्स एंड सेक्सुअल सिक्रीशंस आर सब्लिमेटेड इनटू वाइटल फोर्स प्रिवेडिंग हिज होल बॉडी। अब ये जो थॉट प्रोसेस थी, ये थॉट प्रोसेस मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। एक दिन जब वो 1936 में जब वो 67 ईयर्स के थे, देन ही एक्सपीरियंस्ड एन इरेक्शन जब वो सो रहे थे टू द नेक्स्ट टू मन्नू, एंड ये देखने के बाद उनको बहुत बुरा लगा एंड ही यू नो
डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑफ टोटल साइलेंस फॉर 6 वीक्स. मुझे समझ नहीं पड़ा कि वॉज दिस अ काइंड ऑफ सेल्फ यू नो पनिशमेंट और वॉज दिस अ वेरी वियर्ड वे टू चेस्ट टू टेस्ट योर ब्रह्मचारी वो. बिकॉज मुझे आज तक एज अ भारतीय नारी समझ नहीं पड़ा कि क्यों एक 67 ईयर ओल्ड मैन विल वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज नीस टू टेस्ट हर चैस्टिटी एंड हिज ब्रह्मचारी वो. तो ये थी कुछ कहानी अबाउट द ग्रेट महात्मा गांधी, जिसको हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं. बहुत सारे लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड बहुत सारे लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, मगर मैं एज अ भारतीय नागरिक एक प्रयास कर रही हूँ टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली हैपेंड विच लेड टू द क्रोनोलॉजी ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया. नमस्कार.